सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के नेतृत्व में विदिशा जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पीरिया नाले के पास से दो लोगों के पास 10 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से पकड़ा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक विदिशा के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन प्रतिकार, दो ऑपरेशन पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज तक दिनांक की कार्रवाई की गई है, उसका मैं विवरण बता रहा हूँ। अभी तक टोटल 8 प्रकरण गांजे के बनाए गए हैं, जिसमें 185 पौधे। इन दोनों के बारे में पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि ये लोग गांजे के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। आज ये हमारी संयुक्त टीम ने इस पर कार्रवाई की है और NDPS एक्ट के तहत इसमें मुकदमा कायम किया गया है। बाकी जो जब्त माल है वो आपके सामने है और ये अभियान जो है निरंतर थाना क्षेत्र में, हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में जारी है। बाकी पदार्थ की पौधे उगाई होते हैं, वहाँ से ये लेकर आए थे, वहाँ से सस्ते रूप में मिलते हैं, वहाँ से ट्रेन के माध्यम से इनने तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी विजयनगर से, वहाँ से हमारे मुखबिर इनके पीछे लगे हुए थे, लगातार कंटिन्यू मिल रही थी, अभी यहाँ पहुँचे। उसके बाद ये भोपाल स्टेशन पे उतरे रात को। उसके बाद आज सुबह एक बस के माध्यम से भोपाल से विदिशा आ रहे थे, जैसे ही विदिशा ये पीरिया नाले के पास उतरे, उसे ही मुखबिर की सूचना पर हमने पकड़ा गया और ये माल जब्त किया। विदिशा से राजेश रघुवंशी, सागर टीवी न्यूज। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603, 7879281094।